देखिए पिक्चर कल रिलीज़ हो रही है। वैसे तो हमेशा आमिर खान बहुत बढ़िया बढ़िया थीम लेकर, बहुत अच्छा संदेश लेकर बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं, यानी एक नए आयाम नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं और फिल्मों के ज़रिए बहुत ज़बरदस्त संदेश देते हैं। जैसा कि दंगल में देखा आपने, तारे ज़मीन पर देखी आपने, आपने उनके थ्री इडियट्स देखी, बहुत सारी फिल्में, ये इसमें नयापन है। ये फिल्म जो भी हमने देखी है कल, चूँकि इसका जनरल रिलीज़ है, लेकिन ये फिल्म में सपने देखना बहुत ज़रूरी है। अगर सपने देखेंगे नहीं तो सपनों को साकार कैसे करेंगे? तो इसलिए सपनों को साकार करने के लिए जैसे आपको डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट चाहिए, और ख़ासकर लड़कियों के मामले में, औरतों के मामले में खुददारी, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स हैं। इनको लेकर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, या वुमेन को अपना रास्ता चुनने का पूरा अख्तियार है, और जब चुनती है तो अपने सपनों को साकार करते हुए बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है। इसको आप देखते हैं बहुत इस ग्रिपिंग फिल्म में, ये इमोशन से भरी हुई फिल्म में। इसमें जिस तरह से स्ट्रेस को, स्ट्रेन को, इमोशंस को, डिटर्मिनेशन को, डेडिकेशन को और कमिटमेंट को लेकर फिल्म बनाई गई है, बहुत लोगों ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छे से पेश किया है। ख़ास करके हीरोइन जो है ज़ायरा, और ज़ायरा के साथ साथ दूसरी हीरोइन जिन्होंने माँ का रोल किया है, मेहर विज, बहुत ही बढ़िया काम किया इसमें। वो लड़का राज है, एक अच्छा कलाकार है, और राज की शक्ल तो खैर आप में से किसी से मिलती जुलती भी है, बहुत बढ़िया काम किया। यानी आखिर आमिर खान के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो चिराग दिखाने वाली बात होगी। आमिर खान तो हमेशा अच्छा करते ही हैं, और इसमें बहुत नए तरीके से अपने को पेश किया है, जो बहुत अच्छा भी लगता है और काफ़ी इंटरटेनिंग भी है। तो मैं इस फिल्म की सफलता के लिए आमिर खान को बहुत बहुत शुभकामना और शुभाशीष देता हूँ, और इसकी सफलता के लिए इस फिल्म का सीक्रेट सुपरस्टार के लिए मैं सीक्रेटली नहीं बल्कि ओपनली दिल खोलकर दुआ करता हूँ कि बहुत फिल्म कामयाब होगी।